मासी साहब, काफी देर हो गई है, कुंवर साहब नहीं आए। ये अब भी ब्याह के सपने देख रही है। काश इसे दहेज दासी बनने से बचा पाती मैं। मुझे माफ कर देना चुनरी, अपने स्वार्थ में तुम्हारी जिंदगी से खेल गई मैं। हाँ बताइए ना, क्या हुआ? सब ठीक है? वो थोड़ी परेशानी हो गई लाडो। वो क्या है ना, आंधी तूफान की वजह से दो चार पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, तो जय बनासा नहीं आ पाएंगे। हाँ पर ब्याह नहीं रुकेगा। समान के साथ जो तलवार आई है ना, उनका कहना है कि ब्याह उसके साथ करा दो। वो खानदानी लोग हैं, उनके यहाँ तलवार से ब्याह हो जावे है, ऐसा रिवाज है। और ऐसे भी माता रानी का आदेश ही है ना कि समान के साथ तलवार आई है। पर मासी साहब, तू देवी माँ का नाम ले और जय बनासा की तलवार के साथ ब्याह कर ले। एक बार तू विंध्या देवी की हवेली पहुंच गई तो तू उनका सामान और सम्मान दोनों बन जाएगी। उसके बाद वो थारे को वहां से निकलने नहीं देगी, क्योंकि आज की तारीख में दहेज दासी की प्रथा को जिंदा रखने वालों में सबसे आगे वो हैं। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते जजमान साहब, मंगल फेरों का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। आपकी अनुमति हो तो मंगल फेरे आरंभ करें। माफ कीजिएगा पंडित जी, जय हमारा छोटा भाई है, उसके बिना जय फेरे शुरू नहीं हो सकते। आपसे विनती है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बस वो आता ही होगा। अब जितना ख्याल आपको है उसका, उसको भी तो इतना ख्याल होना चाहिए था आपका। खैर कोई बात नहीं, हमें समझ को नहीं आ रही तमाशा काय कर। Sorry. I'm so sorry everyone. भाभी साहब, सॉरी। भीड़ों को भी जात और औकात दोनों नहीं भूलनी चाहिए। ये वही है ना जिसने उस दिन हमें बरगद के पेड़ के पास धोया था। उस दिन इलाका हमारा नहीं था तो रुबाब दिखा गया, आज हमारे इलाके में आया, छोड़ेंगे नहीं इसे। पंडित जी आप शुरू करो। पर मासी साहब, तलवार के साथ ब्याह, ऐसा कैसे? देख लाडो, अब तने इतनी परेशानी हो रही है तो मैं जय बना सास और विंध्या देवी सास से कह देती हूँ कि मेरी लाडो ब्याह के लिए राजी नहीं है। अब तू फोन लगा अपने बाबा साहब को और बोल हमारा संदेशा दे दे। अरे नाना मासी साहब, वैसे भी सब कुछ तो ईश्वर की इच्छा से हुए, और अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं अपने भाग्य से नहीं भागूंगी, मैं कर लूंगी तलवार से ब्याह। मैं ना बैठा अपनी बहन को। ये पेड़ तो कट के रहेगा, भले तेरे भी टुकड़े क्यों ना करना पड़े। तुमने तो तीन तीन गलत जगह पंजे मार दिए। पहला वटवृक्ष, दूसरा लड़की और तीसरा जय सिंह गोरावत। बंदा दिखता प्यारा है,
महादेश्वरी को साक्षी मान आपकी तलवार से ब्याह करके मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। पहले आप वरमाला वर को पहनाइए, फिर स्वयं आप पहन लीजिए। लीजिए, अब आप स्वयं पहन लीजिए। अब आप माता रानी के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर वर के साथ फेर लीजिए। देख ले छोरी, थारी किस्मत बदल दी मैंने। थारी जगह चुनरी को दहेज दासी बना दिया। आगे की विधि के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। जन में विवाह संपन्न हो जाएगा, जाके देखो। हेज दासी तैयार है ना? जो अरे ये लाइट कैसे चलेगी? शंभू, अरे कोई देखो जरा, फिर आरंभ कीजिए।
सर्व मंगल मांगले स्वे सर्वा साधिके शरण प्रेम के गौरी नारायणी नमस्तुते। बिना कारण जाने तुम लोगों की हड्डियां तोड़ने में मजा नहीं आएगा। वो कौन तो लड़के रहे हो? याददाश्त कमजोर लग रही है दाढ़ी। भूल गया कुछ हफ्तों पहले वो बरगद का पेड़ और वो लड़की। शकल से तो कुत्ते लग रहे हो, तो तुम्हारी तुम नहीं दिख रही। सीधा करूं भी तो क्या करे, कोई नहीं तेरा ही कर देता। अब आप अपने गले में मंगल सूत्र धारण कीजिए, उसके बाद ये विवाह संपन्न माना जाएगा। मातेश्वरी, जे क्या हुआ? इस तरह से मंगल सूत्र का आग में गिरना शुभ को नहीं हो गए। हमारा दिल घबरा रहा है, किसी संकट में तो नहीं है? मातेश्वरी की रक्षा करना। ले गेली, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच, मंगल सूत्र पहन और ब्याह पूरा कर। पता नहीं मासी साहब, अब रिश्ता जुड़ा है, लगता है दिल भी जुड़ गए। और दिल कह रहे कि कुछ सही को नहीं हो रहा है। जब ना प्यार हुआ ना दूल्हा है कोई, तो किस बात का सगुन अपसगुन। मातेश्वरी, रक्षा रक्षा।
अब इस पत्थर का वार और ये खत्म। शेर इस इलाके में? शेरों का भी कोई इलाका है क्या? मातेश्वरी, आपके इस फूल के रूप में मैंने मैसेज मिल गया कि वो ठीक है। माता रानी की कृपा से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए बारिजा माता की जय। सब काम ठीक से हो गया? चोरी को शक तो ना हुआ? अरे कुछ पता नहीं चला, सारा काम अच्छे से जमा दिया मैंने। चंदी बेटा, माफी चाहूं, वो क्या है ठाकुर साहब, क्या काम इतना था कि समय ना मिल पाया आने का। अरे कोई बात नहीं मौसा साहब, वैसे भी मारे सासरे में तो धूमधाम से रीति रिवाज होंगे, वहाँ पे इनकमिंग कर लेना और फिर मैं आपकी एक हफ्ते से पहले आउटगोइंग भी ना होने दूंगी। आप सब आना और तब तक नैना दीदी के लिए तो एक प्रिंस चार मीनार भी ढूंढ लेंगे, है ना? अब चलें, विदाई का समय हो गया। विद्या देवी कह रही थी सूर्योदय से पहले पहले उनके घर की लक्ष्मी उनके घर में पहुंच जाए। कहीं भी हो, रो क्यों रही है? वो माँ की याद आ गई, उनके भी बड़े सपने थे, मैंने अपने हाथों से विदा करे और आज सब कुछ हो रहा है तो वो साथ ही नहीं है। जीजी सा की याद तो माने भी आ रही है और वो भी ऊपर बैठी कसमसा रही होगी, पर वो खुश भी हो रही होगी। थारी मासी सा ने थारी जिंदगी सवार दी है। आज चलें बेटा। मासी सा, मैंने जाने से पहले एक जरूरी काम निपटाना है। मासीसा, मैंने ना वट देवता जी से प्रॉमिसिंग की थी कि ब्याह होते ही सबसे पहले उन्हें जल चढ़ाऊंगी, तो विदाई से पहले ये कर लो, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों गॉड कहेंगे कि ओ गॉड ये तो हमें ही भूल गई। समझा? हे वट देवता, आपका लाख लाख थैंक यू जो आपने इतनी जल्दी दे दिया, इतनी जल्दी देकर इतना अच्छा जीवन साथी दिया। सच में हमारी हर खुशी आप ही की देन है। मोहन, हवेली के बाहर का इंतजाम देख लो, कोई कमी ना रहे। जाओ छोरी, जल्दी जल्दी हाथ चला। पूरी दुनिया देखने आवेगी, मारी बिंदनी के स्वागत में कोई कमी ना रहे। हुँ? जी। गुलाब बिछा दो। और भाभू सा, जे कांटे कठे रखूं? बिंदनी के पैरों तले फूल होंगे और साथ आए दहेज दासी के पैरों को छील कर कांटे उसका स्वागत करेंगे। हमारे घर में आते ही उस दहेज दासी को पता चल जाएगा कि आने वाला जीवन उसके लिए क्या होवे है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.